Exercise 13. Conventional व्यवहारिक conventional व्यवहारिक रूप से सभी भारतीय सैनिकों का यह डॉक्ट्रिन रहता है, यह सिद्धांत रहता है कि वे परमवीर चक्र को अक्वायर करें, प्राप्त करें, परमवीर चक्र को अचीव करें। यही कारण है कि विश्व की सबसे अल्टीट्यूड चोटी, ऊंची चोटी जिस पर बर्फ इनवेलप रहता है, जिसे बर्फ हमेशा इनवेलप की रहता है, ढका रहता है, उस पर हमारी इनविंसिबल सेना, अजय सेना, जिस सेना को कोई जीत नहीं सकती है उसी को बोलते हैं इनविंसिबल अजय सेना। रिजिड है, अड़िग है, कठोर है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। सियाचिन में एम्पल मात्रा में, सियाचिन में पर्याप्त मात्रा में, एम्पल मात्रा में भारतीय सैनिक रिजिड यातनाएं झेलते हैं, कठोर यातनाएं झेल रहे हैं, कठोर यातनाएं झेलते हैं, लेकिन भारत सरकार सबको परमवीर चक्र अलॉट नहीं, भारत सरकार सबको परमवीर चक्र नहीं प्रोवाइड करती है। हमारा देश ऐसा है कि समझौता को डिस्क्लेम कर देता है, नकार देता है और तुरंत युद्ध का प्रोक्लेम कर देता है, तुरंत युद्ध का घोषणा कर देता है, प्रोक्लेम घोषणा करना कर देता है। उसके एसॉल्ट को, उसके आक्रमण को एसॉन्डर रूप से भयानक रूप से जवाब देने के लिए हमारी सेना तत्पर है। और जो सैनिक दुश्मनों को सबसे अधिक पीक करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, दुश्मनों को ज्यादा मारते हैं, उन्हें परमवीर चक्र मिलता है। सचमुच हम सब भारतीय अपने सैनिकों का डेटर है, ऋणी है, हम अपने सैनिकों के ऋणी हैं और हमारे सैनिक क्रेडिटर हैं, हमारे सेना, भारतीय सेना ऋणदाता है, वे ऋण स्वरूप हमें सब चीज दिए हैं, शांति चैन, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण भारतीय रिसोर्सेस, भारतीय संसाधन। वाओ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड घंटी बजाएं ताकि मैं आपको सैकड़ों वीडियो के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड सिखा सकूं। फ्रेंड्स, इसे व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें।